ये फिलहाल कैमरा के लिए एक्टिंग था। चुप रे, कट होएगा, मैं एडिट करूंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइल्स विद एचएम। सो आज हमारी सवारी निकली है हेलमेट और हमारे स्कूटी के साथ। पर जैसे अभी ये 4 साल तो हो चुका है हेलमेट को, तो हमने सोचा है कि हम क्रॉस रोड पर आए एंड यहाँ से अब अंदर का पैडिंग हमें चेंज करना था दोनों हेलमेट्स का, जैसे मेरा स्टड्स का है और मारियो का एग्जॉर का है। तो दोनों उसके पास अवेलेबल नहीं था बिकॉज वो मोस्टली एसएम के ही रखता है, स्टॉक्स उसके पास अभी उसने कम रखे हुए। बिकॉज अब पता चला हमें जाने के बाद कि अभी वो यहाँ से शिफ्ट होके जोगेश्वरी हाईवे पे, जहाँ पे मोगरा स्टेशन है, मेट्रो मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे वो शिफ्ट हो रहा है। तो उसने स्टॉक्स लिमिटेड ही रखे थे, तो अभी हमने सोचा कि अभी यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, और उस बहाने हम थोड़ा घूम भी आए तो सोचा है कि ब्रूम स्टोर जाके आते हैं इस बार। क्या बोलते हैं मारियो? तो चलो बस निकलते ब्रूम स्टोर। भले आपके पास कोई भी बाइक हो, कुछ भी हो, आपको ऑफ रोडिंग तो करनी है। फिलहाल बज रहे हैं 12:10 और अभी इधर पूरा घोड़बंदर पे पूरा ट्रैफिक है और हर जगह फुल ऑफ रोडिंग करते हुए चल रही है, लेफ्ट लेन पकड़ के फुल क्रेजी ऑफ रोडिंग चालू है इधर। अगर आप इंडिया में रहते हो और मुंबई जैसे शहरों में रहते हो जहाँ पे ट्रैफिक है और रोड भी इतने अच्छे हैं, वहाँ पे आपके पास एक्सपल्स हो या एक्टिवा कुछ फर्क नहीं गिरता, दोनों को ऑफ रोडिंग कर। अभी मेरा सस्पेंशन चेंज करवाया मैंने रिसेंटली। और अभी तो कुदारी है। अरे बहुत ध्यान से कुदा रही हूँ यार मैं, नहीं तो फिर बाद में ना वापस वो खर्चा पड़ेगा 3,500 का। हाँ इसके लिए बहुत आराम आराम से निकाल रही हूँ मैं। इतना उछला है कि वाले ऐसा साधु लग रहा है कि जाते थे मेरा यार 2-व्हीलर के लेन में। इतनी उछल रही है गाड़ी कि ऐसा लग रहा है मेरा किडनी मुंह में आ जाएगा मुंह में अच्छा कुछ और नहीं बोला हाँ। तू ऑफ रोडिंग बाइक ले ले हर्षदा, ये सब छोड़। अभी प्लानिंग वही है, अपने आगे रस्तों को देख के तो वही लग रहा है, वही लेना इम्पोर्टेंट है। ऑफ रोड करके ही निकले पूरा आधा घोड़बंदर। हे भगवान, ये ट्रैफिक इसकी वजह से? नहीं, आगे भी है। वो बड़े बड़े कंटेनर्स है ना रे, कंटेनर्स है, ट्रक्स है, सब ट्रैफिक हो रहा है। ऑफ रोडिंग करके आते आते मट्टी वट्टी लगते लगते अभी हम लोग जूस पीने रुके थाने में, हर जगह पे धूप है। अभी हम लोग रुके जूस पीने के लिए, मौसमी और पाइनएप्पल का जूस बोला है हर्षदा ने। आई गेस पूरा लेंस पे ना मट्टी लगा हुआ है, तो वो पी के हम लोग फिर निकलते आगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रूम स्टोर, तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है। सो हम लोग ब्रूम स्टोर आए थे हेलमेट का लेने के लिए, पैडिंग्स पर इधर भी पैडिंग्स नहीं था, और जो मेरा एग्जोर का हेलमेट है उसका भी पैडिंग का जो साइज़ है मिल गया था, बट लगाने के लिए जो अंदर से पिल्लो ये लॉक्स होते हैं वो एक्चुअली एक साइड का छोटा था। अभी वाला जो आया है उसका नज़दीक है और पैरा पैरा वाला है तो उसका लंबा है, तो वो बैठ नहीं पाया। तो हम लोग फिलहाल फिर ना मेरे इसका मिला ना इसके इसमें मिला, तो कुछ तो लेना था तो हमने एक चीज ले ली इतना दूरा है, और वो लिया है एक्टिवा पे। इतने टाइम से सोच रहे थे हम लोग, तब से गाड़ी लिए ना तब से ना मारियो का चालू है कि ना अपना लेंगे माउंट, मोबाइल माउंट लेंगे, मोबाइल माउंट लेंगे करके, बट वो कभी हुआ ही नहीं। या तो ये खराब है या तो ये बराबर नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो करते करते मैं खुद ने तो भाई साहब ने ले लिया अपने बाइक के लिए, बट मेरे लिए कभी नहीं हुआ। फिर मैं आज तो चलो वो क्रॉस रोड गए थे वहाँ पे भी पूछा, बट उसके पास भी नहीं था, मतलब था बट वैसा जैसा चाहिए था वैसा नहीं था, बट चलो
यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे अच्छा मिल गया हमें, तो सब पूछ पूछ लिया मैंने क्या है कैसा है। ये 6 महीने की वारंटी पर है और बस वाटरप्रूफ भी है ये, और साथ ही साथ मतलब आप लोग को इजी लाइक कवरेज कवर भी दिया हुआ है, तो अच्छे से वो सेफली तुम लोग यूज भी कर सकते हो। वाटरप्रूफ भी है या और मेन थिंग तो पता है क्या कि खड्डे पे जाएगा ना, मुझे बहुत डर है कि मतलब वो हिल के कुछ हो ना उसको, बट उसने बोला कि नहीं वैसे टाइट बिठाएंगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, हिलता नहीं है क्योंकि उन लोग का डैम्पिंग है जिससे थोड़ा वाइब्रेशन रहेगा, जिससे वो वाइब्रेशन नहीं आएगा जैसे वो हिलता है अंदर। क्योंकि इसके पहले ना एक बार सेम ऐसा मारियो ने भी मतलब सोचा था, लिया भी था, बट वो फिर उसने एक्सचेंज भी करवा दिया था जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था ना अंदर। बट ठीक है अब ले लिया सो अच्छा है, अच्छा लग रहा मुझे फाइनली ऐसे देख के, वरना तो फिर वन में हाथ में मुझे 2-2 घंटा 3-3 घंटा पकड़। जैसे मैं अभी आया था उठा के ये हाथों में मेरी हाथ दुखने लग गए, तो मैंने बोला अब मेरे को पेन समझ में आया तो ले लेते। अच्छा इतने साल से जब मेरा पेन था हाथ में पकड़ के वो क्या था फिर? ठीक है वैसे ये तेरे को ना मैंने मेरे वैलेंटाइन गिफ्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट, और ऊपर से ये मेरे वाले इससे ज्यादा महंगा है तेको पता है? हाँ यार वो तो है। तो महंगा वाला गिफ्ट दिया तेको, महंगे इंसान को महंगा वाला गिफ्ट। चलो फिर चलते, अब प्लान जैसे बना है यहाँ नवी मुंबई आए और मेरी बहन से नहीं मिले उर्वशी से तो कैसे चलेगा, तो उसको बता, उसको बोला है मैंने कि मैं इधर आई हूँ करके, तो तू मिल, तेरा काम वाम छोड़ बाजू में, वो उसने बोला कि हाँ मैं इधर हूँ करके। तो ये तो एरोली में है, हम जा रहे हैं अभी वाशी यहाँ से ऑल द वे, उसने अभी भेजा हुआ है हमें मैप, बस उसी के अकॉर्डिंगली जाते और आज 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 इसका उद्घाटन होगा लगते ही। यस चलो लगाते हैं। लोकेशन तो आ गया, हम लोग निकल रहे हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनरैप अनपैक अनबॉक्सिंग तो हो चुका है, ऊपर के प्लास्टिक निकालते हैं। टेंटन आया एंड शुभारम। पीछे भी है रहने ना पीछे वाले को, थोड़ा तो न्यू लगना चाहिए। कहाँ से खोल? यहाँ से? हाँ साइड से खोल, वो साइड से ये साइड से। ओके ऐसा है। दबाना ना? नहीं नहीं रख रख दे, ये बंद कर दे। ओके एक मिनट रुक जा। हाँ मिल गए आफ्टर 2 मंथ्स शादी के बाद मिल रहे। मेरी बड़ी बहन नवी मुंबई आई हुई, तो मैं उससे मिलू क्यों नहीं, तो मतलब प्लानिंग वही था एक्चुअली कि तुझसे मिलने का, बट यहाँ अगर कुछ हो गया मिलना घूमना फिरना तो वो सोचा था, बट यहाँ पे कुछ भी घूमने जैसा दिखाई नहीं हम लोग को, मुंबई में अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ है। हाँ यार सिर्फ इतना है कि बिजनेस कंसर्न है तो फिर बात अलग है, बिजनेस कंसर्न है, रेसिडेंस पर्पस है, तो फिलहाल नवी मुंबई डेवलप हो रहा है अभी, जैसे अभी एयरपोर्ट वगैरह सब बनेगा तब हम लोग फिर घूमेंगे यहाँ पे। वही इसने इसको भी पूछा था मैंने कि कुछ है क्या, तो इसने बोला कि वही है सेंट्रल ट्रेडिशनल है यहाँ पे, जो अभी मॉल खुला है ग्रैंड सेंट्रल। हाँ वही है वैसा। इधर ये हम लोग है 17 प्लाजा, यहाँ पे बैक साइड में मेरा ऑफिस है एम्बियंस कोर्ट करके, ठीक है बड़ा कांच का बिल्डिंग है जो यहाँ से दिखेगा नहीं अभी। अच्छा ठीक है, ये खाऊ गली मतलब रेस्टोरेंट, पूरा रेस्टोरेंट है। अच्छा जैसे टाइप का चाहिए वैसे टाइप का। अच्छा। हर तरीके में मिलेगा भाई। आज उर्वशी आप लोग को एक्सप्लोर करवाने वाली है नवी मुंबई। हाँ, के रेस्टोरेंट्स। आ जाओ चलो। ये ये वाला अच्छा रहेगा किंग्स वाला कि कौन सा अच्छा रहेगा? अरे रुक यार उर्वशी की दीदी हेलमेट निकालो। अभी बाहर आके निकालूंगे, मुंह में पूरा मिट्टी मिट्टी है। अरे
चलो हम लोग का लंच हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय, बैक टू मीरा रोड, बैक टू ऑफिस। एक जगह जाना था हमको, बट उर्वशी ने इतना अच्छा हमको फीडबैक दिया कि हम अभी घर ही आ रहे हैं। हमारा सेवन वंडर्स ही अच्छा है फिर तो। 2 रुपए टिकट। हमारे यहाँ पे नहीं है भाई। चलो। तो इसी के साथ ये ब्लॉग हम एंड अप करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें किसको? Miles with H&M. Miles with H&M. H&M वाला ब्रांड हाईलाइट कर रहा है।